लोकसभा चुनाव के अंदर बहुत सारे वादे लोग करते हैं लेकिन उनको पूरा नहीं कर पाते, जब पूरा नहीं कर पाते तो उनको जुमला बताते हैं, ये कहना है अखिलेश यादव का। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साधते हुए गुरुवार को कहा कि चाय वाले ने देश की जनता से वादाखिलाफी की है। और अखिलेश ने महागठबंधन के कौशाम्बी लोकसभा क्षेत्र से प्रत्याशी इंद्रजीत सरोज को प्रतापगढ़ के प्रत्याशी अशोक त्रिपाठी के समर्थन में आयोजित जनसभा में कहा कि चाय वाले ने देश की जनता से वादाखिलाफी की है। सपा अध्यक्ष ने कहा कि उनकी मोदी की पोल खुल गई है, चाय वाले अब की बार चौकीदार बनकर आए हैं जो किसी लायक नहीं है, वह भी चौकीदार के समर्थक हैं। उन्होंने कहा कि चौकीदार के साथ साथ उत्तर प्रदेश में ठोको नीति चलाने वाले बाबा को भी बाहर करना है। ठोको नीति के कारण ही पुलिस के लोग अपमानित हो रहे हैं। चौकीदार ठोकीदार का इस चुनाव में पता नहीं चला तो धमकीदार का पता कहां चलेगा। अखिलेश ने कहा कि लोकतंत्र में कोई राजा नहीं होता, जनता ही राजा होती है। इस समय गठबंधन की लहर पूरे देश के अंदर चल रही है जिसको रोकने की बीजेपी पूरी पूरी कोशिश कर रही है, जिनको जनता अच्छे से पहचान गई है, जिसको चाहेगी उसको राजा बनाएगी और जिसके खिलाफ हुई उसकी कुर्सी छीन लेगी। उन्होंने कहा कि भाजपा ने जनता को धोखा दिया है, अब ये सारे देश की जनता पहचान गई है। अच्छे दिन का वादा करके लोगों के हाथ में जुमलों की सरकार पकड़ा दी, अच्छे दिन के नाम पर सपने दिखाना जनता की गुमराह किया गया है। करोड़ों लोगों को नौकरी, किसानों से किया गया वादा पूरा नहीं किया गया, देश में अर्थव्यवस्था चौपट हो गई है, भारत सरकार पर इस समय 82 लाख करोड़ का कर्ज है। उन्होंने कहा कि दिल्ली में महागठबंधन की सरकार बनने पर भारी तादाद में नौजवानों को नौकरी दी जाएगी, भाजपा में नौजवानों का रोजगार नहीं दिया, इसके उलट उन्होंने पकौड़े तलने की भी बात कही। उन्होंने कहा जो इस देश का शिक्षक युवा आज पढ़कर निकलता है तो इस देश के माननीय प्रधानमंत्री उसे पकौड़े तलने की सलाह देते हैं। उन्होंने कहा कि चुनाव भरोसे का चुनाव है, देश और संविधान बचाने का चुनाव है। अगर जनता अभी भी नहीं जागी तो बहुत पीछे चली जाएगी, क्योंकि उनको नहीं मिलेगा रोजगार, उनको नहीं मिलेगा आगे आविष्कार विकास की दुनिया। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन बिल्कुल भी दबाना ना भूलें, ताकि सभी लेटेस्ट खबरें पहुंच सकें आप पे सबसे पहले।